नमस्ते, मैं संस्कृति गुप्ता। मैं कक्षा 2 से बोल रही हूँ। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है अथवा पितामह दिवस है। घर पे सारे पितामह को नमन करती हूँ। ही कई कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। नकलची बंदर। एक समय की बात है, एक आदमी था। वह तरह तरह की टोपियाँ सिलता था और बेचता था। एक दिन वो मेले में गया और वहाँ के सारे बच्चे टोपियाँ देखकर बहुत खुश हुए। मेरा ख़त्म हो गया, सब चले गए और वो भी सोचा कि चलो मैं चलता हूँ। फिर एक रास्ते पर एक मोटा पेड़ उसे दिखा। उसने सोचा कि उसके छाँव पे मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ वो एक ही झपकी लेते हुए उसे नींद आ गई और वो सो गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि मेरी सारी टोपियाँ ऊपर बंदरों के पास है। मांगने की बहुत कोशिश की पर उसने नहीं दिया। उसने हाथ उठाया तो बंदरों ने भी उसकी नकल करके उसका अपना हाथ उठाया। वो उसकी नकल करके आदमी को एक योजना आई और उसने अपने सर से टोपी उठा के फेंकी तो बंदरों ने भी एक टोपी फेंकी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। और ये कहानी मेरे पिता माँ दादा दादी ने सुनाई है।